कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एक खरबपति के साथ, आपने गंदा उगा दिया, आपके साथ उन्होंने तय भी किया था कि एग्जाम में देंगे, अब वो कहता है कि भैया हमें जरूरत नहीं है, हम जाओ कहीं और देंगे, तो आप अदालत में भी नहीं जा पाएंगे, आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ऐसा कानून बनाया है कि कोई कानून ही लागू नहीं होगा इन पे। और आप सोच सकते हैं कि अगर सिर्फ उस कानून में लिखा है कि आपको अगर सुनवाई करानी है सीएम तक जा सकते हैं, उनसे बड़ा एक अफसर है उनके पास जा सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ खरबपति, एक तरफ आप, क्या होगा, न्याय मिलेगा आपको? तो ये कानून जो बनाए हैं, तीनों कानून किसान के लिए नहीं बनाए गए, ये इनके पूंजीपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं। और ये देश अंधा नहीं है, देख रहा है 7 सालों से क्या हो रहा है इस देश में। देश का एक एक देशवासी देख रहा है कि चाहे कुछ भी हो, बड़े 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 से बड़े सरकारी उद्योग न हो, वो सब 2-3 जनों को बिक रहे हैं। इन्हीं के पूंजीपति मित्र सारी मीडिया चलाते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों के द्वारा इनके चुनाव चलते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों को पूरा देश सौंप दिया गया है। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग हो, 75 सालों में जितना भी सरकार ने काम किया, बेरोजगारी को हटाने के लिए भी जो बड़े बड़े उद्योग बने, सब बेच डाले हैं, और जो अब तक बिके नहीं है उनको बेचने की भी योजना कर डाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सरकार आपके लिए क्या करेगी। और अगर अभी भी आपको इनसे उम्मीद है तो जरा गहराई से सोचिए कि आपके लिए कुछ करने नहीं वाले हैं। आज भी जब लाखों किसान इनके दरवाजे पे खड़े हैं, तो वही प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा सकते हैं, ट्रंप साहब के चुनाव में उनके लिए बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, जो चीन जा सकते हैं, जो पाकिस्तान जा सकते हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जो इन्होंने छोड़ा। सबने देखा, हम सबने टीवी पे देखा, कभी कहीं उनका स्वागत हो रहा है, कभी कहीं। और बताइए, अपने घर से 2-3 किलोमीटर दूर 3 लाख किसानों से जो वहां पे धरना मार रहे हैं, जो सिर्फ आपसे ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमसे आकर बात करिए, हमारी बात सुनिए। आप 2-3 किलोमीटर अपने घर से दूर उनके पास नहीं जा पाए, आप दुनिया घूम सके, बड़े बड़े हवाई जहाज खरीदिए अपने लिए आपने, लेकिन आप उन किसानों की सुनवाई करने के लिए नहीं जा पाए। उल्टा क्या किया आपने, संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाया। उन्हीं किसानों को आपने एक नया नाम दिया, आंदोलनजीवी, परिजीवी। परिजीवी होता क्या है आप सब जानते हैं, सब किसान। आपका अपमान किया भरे संसद में, हंसते हुए आपका अपमान किया। तो 215 किसान शहीद हुए हैं, उनमें से एक 25 साल का लड़का, मैं कुछ ही दिनों पहले रामपुर गई उसके अंतिम अरदास में, इतना दुख हुआ मैं क्या बताऊं उस परिवार से मिलकर। एक 25 साल का बच्चा, उस परिवार को लगता है कि उसे गोली मार दी गई, वह शहीद हुआ। उसकी मां मेरे पास बैठी थी, पूरे समय कुछ बोली नहीं, आंखों में आंसू थे, और आप संसद में खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, आप परिजीवी कह रहे हैं, आपके मंत्री देशद्रोही कह रहे हैं। इसका मतलब है आप पहचान नहीं पाए, मोदी जी पहचान नहीं पाए कि देशभक्त और देशद्रोह में फर्क क्या है। कि सिर्फ एक देशभक्त शांतिपूर्वक आंदोलन में 80 दिनों से हर समस्या को झेलते हुए सड़क पर बैठकर शांति से आपसे मांग सकता है कि अपना अधिकार मिले उसे,
सिर्फ एक देशभक्त कर सकता है। आप पहचान नहीं पाए, आपने मजाक उड़ाया। कल परसों हरियाणा के कृषि मंत्री का एक वीडियो निकला, हंस हंस के बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, 215 लोग मर गए। तो क्या हुआ, वो तो घर में बैठे बैठे भी मर जाते हैं और हंस रहे हैं। देखिए, मैं शहीद के परिवार की बेटी हूं। शहादत बहुत बड़ी चीज होती है। शहादत तो झेलने वाला, जो शहीद है वो नहीं होता, उसका परिवार होता है। उस दुख को दिल में रखता है जीवन भर, उसका मजाक उड़ाने का किसी का अधिकार नहीं है। चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, जो अपने अधिकार के लिए शहीद हुआ है वो पाप होता है और उससे उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि जो किसान आपके दरवाजे पे खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी, जो किसान आपके दरवाजे पे खड़ा है, उसका बेटा आपकी सीमा पे खड़ा है। जिस किसान का अपमान कर रहे हैं, उसका बेटा आपकी सीमा पे आपकी सुरक्षा कर रहा है। आपके अंगरक्षक उसी किसान के बेटे हैं। अपमान करने का कोई हक नहीं है आपको। और मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो कानून बनाए हैं, जिससे इस देश का किसान, इस देश का गरीब संकट में है, रो रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, उसे आप वापस लीजिए। इन कानूनों को रद्द कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनका आदर कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनको अपमानित मत कीजिए। देखिए, जिसको सत्ता मिल जाती है, दो तरह के नेता होते हैं। कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनको बहुत अहंकार हो जाता है, वो भूल जाते हैं कि सत्ता देने वाला कौन है। इस देश के इतिहास में बार बार हुआ है, कि ऐसा नेता जब अहंकार में आ जाता है तो देशवासी उसको सबक सिखाते हैं। और जब देशवासी उसको सबक सिखाते हैं तब वो शर्मिंदा होता है, वो समझता है कि उसका धर्म क्या था। लोगों को बांटने का धर्म नहीं था, लोगों पर संकट डालने का धर्म नहीं था। उसका धर्म यही था कि वो जनता के लिए काम करे, जनता का विकास कराए, सर्वप्रथम जनता को रखे और अपने आप को पीछे रखे। ये उम्मीद की जा सकती है कि नहीं कि अहंकारी सरकार अपनी माया में से निकले और इन्हें समझ में आए कि इनका धर्म क्या है? मुझे नहीं लगता। 7 साल गुजर चुके हैं, 7 साल में जितने वादे किए सारे तोड़े, 7 साल में जो छोटा व्यापारी था उसकी कमर तोड़ी, किसान उसकी कमर तोड़ी, गरीब उसको मदद नहीं किया, सिर्फ अपने बड़े बड़े दोस्तों, अपने पूंजीपति मित्रों का की मदद की। तो अब मुझे नहीं लगता कि उम्मीद है कि आपके लिए ये काम करेगी। लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, इस देश की जनता पर भरोसा है और आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि आप पीछे नहीं हटेंगे, कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, मेरे भाई राहुल गांधी जी आपके साथ हैं, जिन्होंने संसद में किसानों से बात की, जिन्होंने संसद में कहा कि
कि 2 मिनट मौन आप किसान के लिए रखिए जो शहीद हुआ है, और जितने भी सरकारी नेता थे, जो सरकार के नेता थे, सब अपने जगह बैठे रहे, मजा तो आते रहे, लेकिन विपक्ष का एक एक सांसद खड़ा हुआ और 2 मिनट का मौन उन्होंने रखा। राहुल गांधी आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता आपके साथ है, एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, और मैं आपको आज यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। जब जब आप संकट में होंगे मैं आपके पास आऊंगी, और मेरी जान मेरा घर आप है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि जो 215 किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखें। धन्यवाद। दो मिनट का मौन रखिए।